5-7 साल से मेरे देखने में आ रहा है कि इस गांव में दूरियां बढ़ते जा रही है, गांव का विकास रुक रहा है, गांव का विकास रुक रहा है, यानी हर घर का विकास रुक रहा है। ये हर व्यक्ति ने इस चीज़ को सोचना चाहिए, लोगों ने इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है इसे आप यहीं तक सीमित मत रखिए, आगे भी कोई अगर गांव में बात आती है तो दोनों पक्ष मिलकर के बैठकर उस चीज़ का हल निकालिए और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। अगर अपन आपस में ऐसा लड़ते रहेंगे, मनमुटाव करते रहेंगे तो अपने गांव का विकास रुकते रहेगा, अपने गांव का विकास रुकेगा, यानी अपने घर का विकास रुकेगा, अपने बच्चों का विकास रुकेगा। मेरा कहने का मतलब यही है, आज जो अपन ने ईद मिलन का कार्यक्रम रखा है, इस ईद मिलन के कार्यक्रम को 365 दिन के लिए भाईचारा हम कैसा निभाए, एक दूसरे के साथ कैसे आए, एक दूसरे की कैसी मदद करे, आपस में मनमुटाव दूर करे, ये सब चीज़ को अगर अपन ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगेगा कि आज जो आप लोगों के तरफ से हम हिंदू भाइयों को कार्यक्रम दिया गया है वो सत्य में यशस्वी हुआ। और इतना बोल करके मैं अपने दो शब्द समाप्त करता हूँ और मैं आप लोगों से आश्वासन देता हूँ कि जब तक मैं व्यापारी संगठन का अध्यक्ष हूँ मैं ये कार्यक्रम लेते रहूँगा और आप मुझे जब भी बुलाएंगे मैं आपके कार्यक्रम में मेरी हाजिरी लगते रहेंगे। धन्यवाद। सदियों से कायम परंपरा को बनाए रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अफवाहों के बल पर उन्मादी होना सभ्य समाज को कतई शोभा नहीं देता, इसीलिए मानवता को सर्वोपरि स्थान देते हुए गलत लोगों का साथ कभी न दे, तभी सामाजिक एकता कायम रहेगी। इस बात की प्रेरणा हमें नागपुर जिले के एक छोटे से शहर देवलापार में दिखाई देती है, जहाँ सामाजिक एकता का अनूठा बंधन देखने को मिला। ईद के पावन पर्व पर शहर के मुस्लिम भाइयों ने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा गया, जहां शहर के व्यापारी संगठन के तमाम पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया। वहीं शहर के तमाम प्रतिष्ठित नागरिक, पुलिस विभाग से सभी बड़े अफसरों की मौजूदगी में कार्यक्रम मुकम्मल हुआ। ईद मिलन के प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए मुस्लिम समाज से नूरी मस्जिद देवलापार के इमाम जनाब गुलाम मुस्तफा साहब, सामाजिक कार्यकर्ता शहादत खां पठान, महबूब पठान, हाफिज शेख अकबर पठान, नूरा पठान, बाबू भाई सैयद, रिजवान पठान, रहमान पठान और तमाम नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। किसी का हिंदू होना या किसी का मुस्लिम होना जायज है, ठीक है, कोई हिंदू हो सकता है, कोई मुस्लिम हो सकता है, लेकिन उन चीजों में जब कट्टरता आती है, जब कोई कट्टर हिंदू और कोई कट्टर मुस्लिम होता है, उस समय में इस भाईचारा को सबसे पहले जो हम लोग बोलेंगे कि जो चोट पहुंचने वाली है वो चोट पहुंचती है। हमारे देश का संविधान जिस मायने में रखा हुआ है, जिस मायने में लिखा हुआ है, उस संविधान की प्रास्ताविक जो है वो प्रास्ताविक बोलती है हम भारत के लोग। वहाँ पे कभी भी ये नहीं बोला गया कि हम भारत के हिंदू लोग, हम भारत के मुस्लिम लोग, हम भारत के बौद्धिस्ट लोग, हम भारत के सिख लोग, हम भारत के ईसाई लोग, हम भारत के ट्राइबल्स वगैरह वगैरह। उन्होंने जब शुरुआत में यह लिखा हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उस संविधान को लिख रहे हैं, इसी पहले वाक्य में ही सारी चीजें मतलब इकट्ठा हो जाती है और वो ये बताती है कि ये देश जो है इस देश की आत्मा है धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रकृति है, जिस प्रकृति में हम लोग रहते हैं, उस प्रकृति में अभी ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा कि ऑक्सीजन अगर मिल रहा है तो हिंदुओं को ज़्यादा मिलेगा हमारे देश में और पाकिस्तान में मुस्लिमों को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा होगा क्या? या इंग्लैंड में क्रिश्चियनों को ज़्यादा मिलेगा या फिर पंजाब वाला जो भाग है वहाँ पर सिखों को ज़्यादा मिलेगा, ऐसा है क्या? नहीं है। हमारे खून में सिर्फ और सिर्फ अगर ब्लड ग्रुप को छोड़ दिया जाए तो बाकी कुछ भी फर्क हमको नहीं देखने को मिलता है। हमारे शरीर की रचना भी वैसी ही है, जैसे हम लोग बोलते हैं, हम लोग विज्ञान की भाषा में पढ़े कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको 270 हड्डियों के साथ में जन्म लेता है, तो हिंदू बच्चा 270 की जगह पे ज़्यादा या कम हड्डियाँ लेकर पैदा होता होगा और मुस्लिम बच्चा भी ऐसे ही कम ज़्यादा हड्डियाँ लेकर पैदा होता होगा, ऐसा तो नहीं है, है ना? या फिर हमारी जब पूरी की पूरी जब हमारी ग्रोथ होती है, जब हम लोग पूरी तरीके से वयस्क होते हैं तो हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ रहती है, तो ऐसा भी नहीं है कि हिंदू के शरीर में कम ज़्यादा या मुस्लिम के शरीर में कम ज़्यादा। इसका मतलब साफ है कि जब प्रकृति ने इसमें कोई फर्क नहीं किया तो हम लोग आप लोग कौन होते हैं कि हिंदू अलग और मुस्लिम अलग ये हम लोग बोले। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात आखिरी में मैं बोलना चाहूंगा कि बाहर में जो भी चीजें होती होगी
है ना, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे लड़ता होगा, लेकिन मैं मेरा गांव जो है उस गांव को देखता हूँ, उस गांव में जिस तरीके से लोगों का एक दूसरे के साथ में जो भाईचारा है उसको जब देखता हूँ तो मुझे फक्र होता है कि मैं इस ऐसे गांव में रहता हूँ जहाँ पे लोगों को हिंदू मुस्लिम इस धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो आखिर में एक एक कविता है वो बोलता हूँ और अपने जो वाणी है उसको विराम देता हूँ। नसों में दौड़ते खून का जुदाना रंग रखा है, नसों में दौड़ते खून का जुदाना रंग रखा है, दिया रब ने वही नक्शा वही हर अंग रखा है, दिया रब ने वही नक्शा वही हर अंग रखा है, वही सूरज वही मौसम, वही सूरज वही मौसम हवाए धूप पानी दी, वही सूरज वही मौसम हवाए धूप पानी दी, तो हमने सोचने का क्यों जुदा फिर ढंग रखा है, हमने सोचने का क्यों जुदा फिर ढंग रखा है। जय सेवा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस रमजान के पवित्र पावन पर्व पर इस मंच पर विराजमान सभी मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे बड़े भाई और इस गांव के सभी मेरे दोस्त प्रतिष्ठित नागरिक, इनको सबसे पहले मैं ईद मिलन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। रहा इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, एकता, भाईचारा, संबंध, अभी अप्रैल जो महीना है वो महीना इतना सुंदर, इतना पावन और इतना शक्तिशाली है कि इस धरती पर जितने महापुरुष, औलिया, संत, सबकी जयंती इसी महीने में आती है। अभी देखा जाए सबसे पहले नवरात्रि का महोत्सव आया था, हमने भी सभी मुस्लिम भाई लोगों ने, सभी हिंदू भाई लोगों ने सब मिलके वो प्रोग्राम बढ़ चढ़कर एकता का प्रतीक दिखाते हुए सबने बहुत अच्छा दिन दिखाया। अभी चार दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर जयंती का प्रोग्राम आया था, उस जयंती में इस गांव का, इस देश का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा कि उस कार्यक्रम में, उस जयंती में किसी ने हिस्सा नहीं लिया होगा। यहाँ के सभी भाई लोग, शब्बीर भाई थे, सॉरी हबीब भाई थे, रिजवान भाई, जावेद भाई थे, सभी उस रैली में, बाबा साहब की रैली में और जयंती में सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और आज जो प्रोग्राम हो रहा है ईद मिलन का, जिनने भी मेरे को बुलाया है, और यहाँ पे सभी धर्म के लोग हैं, जिनने मेरे को बुलाया है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ मंच पर मेरे को दो शब्द बोलने को कहे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। इतना बोल के मैं अपने दो शब्दों को विराम देता हूँ। नागरिक और पदाधिकारी, उसी प्रकार मंच के सामने में विराजमान हमारे समस्त मुस्लिम समाज के बंधु, इन्हें मैं रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं थोड़े भी कहना चाहूँगा कि देवलापार में जो एकता का परिचय दिया जाता है वह देखने काबिल है। इसी प्रकार हर वर्ष देवलापार में चाहे कोई भी समाज का कार्यक्रम हो, उसमें सभी समाज बंधु ने, चाहे वह हिंदू हो, मुसलमान हो या कोई भी समाज का हो, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और गांव की एकता और अखंडता को इसी प्रकार बनाते रहे। और ये जो ईद मिलन समारोह का कार्यक्रम रखा गया है, मैं समस्त मुस्लिम भाइयों को फिर से मुबारकबाद देता हूँ और अपने शब्द को यहीं पे विराम देता हूँ।